क्या आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं ताकि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड सारी टेक्निक्स में मास्टर हो सके, ताकि आप बहुत तेजी से एक प्रोटोटाइप बना सके, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना आपके हाथ में हो, रिक्वायरमेंट्स के बेस पर फ्रंट एंड और वेब एंड डेवलपमेंट के बीच में स्विच भी कर सके, न्यू एंड अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के सारे एस्पेक्ट्स आसानी से समझ में आए और अच्छा सैलरी पैकेज एंजॉय कर पाए? क्योंकि आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में फुल स्टैक डेवलपर्स की हाई डिमांड है, तो फिर आपका फुल स्टैक डेवलपर बनने का इरादा रखना तो बनता ही है। और फिर इतने सारे एडवांटेजेस जानने के बाद तो आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के इस दुनिया में फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए तैयार भी हो गए होंगे। लेकिन क्या आप इसके बारे में, यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं? हो सकता है कि आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो के जरिए फुल स्टैक डेवलपमेंट को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, ताकि आपके करियर ऑप्शंस की लिस्ट में एक और ब्राइट और इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन जुड़ सके। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट में वेब एप्लीकेशंस के फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड और बैक एंड यानी सर्वर साइड पोर्शंस का डेवलपमेंट शामिल होता है। और एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कंप्लीट वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स को डिजाइन करने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि वो वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट के फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस और डीबगिंग पर काम करता है। ये फुल स्टैक डेवलपर्स ऐसे ऑलराउंडर्स होते हैं जो बहुत सारी स्किल्स में मास्टर होते हैं और उन स्किल्स का यूज करके एक प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करते हैं। तो आइए अब फ्रंट एंड बैक एंड को वन बाय वन समझते हैं, जिसमें पहले बात करते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन का विजिबल पार्ट होता है, जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि यूजर डायरेक्टली वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पोर्शन से इंटरैक्ट करता है। एक वेब पेज पर लोगो, सर्च बार, बटन्स और ओवरऑल लेआउट सब कुछ फ्रंट एंड में ही आता है, और फ्रंट एंड डेवलपर वेबसाइट के लुक और फील का इंचार्ज होता है। इसकी जिम्मेदारी ये अश्योर करना भी होता है कि वेबसाइट हर डिवाइस पर, यानी कि फोन्स पर, टैबलेट्स पर और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर अच्छी दिखाई दे। फ्रंट एंड पोर्शन जिन लैंग्वेजेस से मिलकर बना है वो है HTML, HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेजेस के फ्रंट एंड पोर्शन को डिजाइन करने में यूज की जाती है। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि एक डिजाइन लैंग्वेज है और वेब पेजेस को प्रेजेंटेबल बनाने के प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। JavaScript, ये ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो साइट को यूजर के लिए इंटरैक्टिव बनाती है। इन लैंग्वेजेस के अलावा फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज भी होती हैं, जो कुछ इस तरीके से काम करते हैं जैसे ब्रेड पर बटर और जैम करते हैं, यानी उसे और भी ज्यादा टेस्टी बना देते हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं, टाइम बचाते हैं, एफर्ट्स को रिड्यूस कराते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। इसलिए अब जान लेते हैं लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स के बारे में। फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज और टूल्स का ऐसा सेट होता है जिसके जरिए डेवलपर्स वेब एप्लीकेशंस, वेब सर्विसेज और वेबसाइट को बिल्ड और मैनेज करते हैं, और लाइब्रेरी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए हेल्पर फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और मॉड्यूल्स का सेट प्रोवाइड कराती है। फ्रंट एंड में अवेलेबल फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज ये हैं। एंगुलर JS, ये एक जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो मेनली सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में यूज होता है। ये स्टैटिक HTML को डायनेमिक HTML में चेंज करता है। इसे कोई भी यूज कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। बूटस्ट्रैप, ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए एक फ्री और ओपन सोर्स टूल कलेक्शन है। React.js, ये यूजर इंटरफेसेस बिल्ड करने के लिए एक एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो एप्लीकेशन के केवल व्यू लेयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। jQuery, ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो HTML और CSS डॉक्यूमेंट के बीच इंटरेक्शन को सिंपलीफाई करती है। SASS यानी कि SASS, ये सबसे ज्यादा रिलायबल और मच्योर CSS एक्सटेंशन लैंग्वेज है जो किसी साइट के एग्जिस्टिंग CSS की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए यूज होती है। इसी तरह कुछ और लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स में फाउंडेशन, Backbone.js और Express.js शामिल हैं। तो ये तो हुई फ्रंट एंड की बात, और अब आगे जान लेते हैं बैक एंड के बारे में। इसमें वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट का सर्वर साइड आता है, और इसका प्राइमरी फोकस इसी पर होता है कि वेबसाइट कैसे काम करती है,
इसमें एप्लीकेशन का वो पार्ट आता है जिसे यूजर नहीं देखता। एक बैकएंड डेवलपर वेबसाइट के लॉजिक पर, सर्वर्स क्रिएट करने पर और डेटाबेस और एपीआई के साथ काम करने पर फोकस करता है। बैकएंड पोर्शन में यूज होने वाली लैंग्वेजेस हैं पीएचपी। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट के लिए डिजाइन की गई है। C++ जो कि एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होती है। जावा, ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म है और हाईली स्केलेबल भी है। जावास्क्रिप्ट, ये लैंग्वेज फ्रंट एंड और बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है। पाइथन, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क स्पीड को बढ़ाती है और सिस्टम्स को ज्यादा एफिशिएंटली इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। इनके अलावा C#, रूबी, रीसेट, गो भी बैकएंड लैंग्वेजेस होती हैं। और अब जान लेते हैं बैकएंड के लिए यूजफुल फ्रेमवर्क्स के बारे में। ये फ्रेमवर्क सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लाइब्रेरीज होती हैं, जो किसी साइट के बैकएंड स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करती हैं। ये है Node.js। ये एक ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट है जो बहुत से प्लेटफॉर्म पर रन करता है और ये सर्वर पर जावा स्क्रिप्ट का यूज करता है। ये ना तो एक फ्रेमवर्क है और ना ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत से जावा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स की रिच लाइब्रेरी भी प्रोवाइड कराता है, जो वेब एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करता है। Express.js, ये एक फ्लेक्सिबल Node.js वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए फीचर्स का एक स्ट्रॉन्ग सेट प्रोवाइड कराता है। और आगे है लारावेल, ये टॉप PHP फ्रेमवर्क्स में से एक है जो डेटा के साथ साथ यूजर्स को भी एनहेंस्ड सिक्योरिटी ऑफर करता है। अब जानते हैं डेटाबेस के बारे में, क्योंकि हमने इस वीडियो में पहले ये जाना है कि एक फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस और डीबगिंग पर काम करता है। और इनमें से फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, तो अब आई ना बारी डेटाबेस को समझने की, तो आइए इसे भी जान लेते हैं। क्योंकि हर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेटा स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, और ये डेटाबेस इंटर रिलेटेड डेटा का ऐसा कलेक्शन होता है जो डेटाबेस से डेटा के एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन और डिलीशन में हेल्प करता है और डेटा को टेबल्स, व्यूज और रिपोर्ट्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है। ऐसे कुछ डेटाबेस हैं ओरेकल, ये ऐसे डेटा का कलेक्शन है जो एक यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाता है। इसका पर्पस क्वेरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव करना होता है। MongoDB, ये एक ओपन सोर्स NoSQL यानी नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है और NoSQL ट्रेडिशनल रिलेशन डेटाबेस के अल्टरनेटिव के रूप में यूज होता है। ये डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लार्ज सेट्स के साथ वर्किंग में बहुत ही यूजफुल रहते हैं। SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और रिट्रीव करने में यूज होती है। और अब फुल स्टैक डेवलपमेंट के लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी डीबगिंग की। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान हैवी टेस्टिंग, अपडेटिंग, ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस से गुजरते हैं और सॉफ्टवेयर में यूजुअली एरर्स और बग्स होते हैं जिन्हें रिमूव किया जाता है। ऐसे में डीबगिंग ही वो प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर में बग को फिक्स करता है। इसमें एरर्स को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और रिमूव करना आता है। एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए इनके अलावा टेस्टिंग, वर्जन कंट्रोल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का होना भी जरूरी है। टेस्टिंग में कोड के लिए टेस्ट लिखना आता है और वर्जन कंट्रोल प्रोजेक्ट के कोड में चेंजेस को ट्रैक और मैनेज करने का एक तरीका होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके लिए सिखाती है कि प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए, उसे स्मॉलर मैनेजेबल पीसेस में कैसे ब्रेक किया जाए और वेब एप्लीकेशंस में इश्यूज को कैसे ट्रबल शूट किया जाए। और अगर इस एरिया में उतरने से पहले फुल स्टैक डेवलपर्स की सैलरी को आप जानना चाहते हैं, तो आपको बता देते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर की एवरेज सैलरी अराउंड 6 लाख पर एनम हुआ करती है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, IBM, वासार लैब्स, रिपोर्ट गार्डन और एक्सेंचर जैसी टॉप कंपनीज फुल स्टैक डेवलपर को रिक्रूट करती हैं। और इसी के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट पर बेस्ड ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। कोई और सवाल है जिसके बारे में आप काफी दिनों से सोच रहे हैं, तो अपना वो सवाल हमें लिख भेजिए। हमारी पूरी टीम रिसर्च करके और अच्छी खासी मेहनत एक वीडियो को बनाने में लगती है, इसलिए थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। तो बस सवाल लिख भेजिए और इंतजार कीजिए अपने सवाल के जवाब का।
बाकी इसी के साथ हमेशा ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आप सभी के लिए कहेगी धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी ही नई जानकारी के साथ।